Samyaha Shlain. Samyaha Shlain. Samyaha पंचमी एक वचन, श्लैं प्रथमा के एक वचन, दो पद है। विकार और अवय इन दो अर्थों में श्लैं प्रत्यय होता है शमी शब्द से। शमी प्राकृतिक षष्ठन समर्थ बंधों से श्लैं प्रत्यय होगा विकार और अवय अर्थ में। शम्याहा विकार, शम्याहा अवयवो वा दिशामीलम भस्म, शामीलम भस्म। शमी एक पेट विशेष होता है जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है इस समय नवरात्र के अंत में, दशमी का दिन शमी वृक्ष, ये पत्तों को इकट्ठे करते हैं यहाँ लोग उत्तर भारत में और सोना करके बांटते हैं उसको। पत्ते घर घर में जाके देंगे, इष्ट मित्रों को देंगे, हम सोना बांट रहे हैं और लोग बड़ी इज्जत से उसको रखते हैं और ले करके रख लेते हैं शमी वृक्ष। उसे मानते अस्त्रों को छिपाए थे पंच पांडव जब अज्ञातवास में गए थे, उसके कोठर पर डाल दिए तो कोई इसको अनुभव नहीं कर पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। अतएव इस महत्वपूर्ण पेड़ है शमी का, शामीलम भस्म। शीतवाद गीष भी हो गया, शीत इसलिए किया शीत गौरादि व्यस्त गीष हो जाता है, शामीली सुरख सुरख सुरवा ये सब जो है यज्ञीय पात्र है हवन में प्रयुक्त होने वाले, उसमें शामीली शब्द बना इसलिए। वर्ण प्रकाशेशो शमीमय्या सुरचा प्रसिद्ध, जो चातुर्मास इष्टि होता है उनमें चार इष्टियाँ होती हैं, हर तीन तीन महीने पे हर चौथा पूर्णिमा पे उसमें चातुर्मास इष्टि कहते हैं। चतुर्षोत्तरष अंतरालेशु क्रियमाण इष्टि विशेषा चातुर्मास इष्टि, उसमें एक इष्टि का नाम है वर्ण प्रकाश। उस वर्ण प्रकाश नामक इष्टि में जो पात्र होंगे सब शमी के ही होंगे। शमीमय्या सुरचा, शमीमयी शब्द स्त्रीलिंग है उसका बना है शमीमय्या, प्रथमा के बहुवचन प्रसिद्ध। अवयवे तो शामीली शाखा, शामीली शाखा अवयवर्थ में लिया। श्लैं का ल बचता है ना, कोई प्रत्यय विशेष बचता नहीं, इन दोनों से आदिवृत्ति हो जाएगा शमी का, शामी और यह ल बचा है तो शामील। तो शमी स्नित्वात आदि वृद्धि करके शमी का शामी बन गया, अल्लाह प्रत्यय ही बचा हुआ। अल्लाह के प्रत्यय कोई ऐसा संज्ञा विशेष है नहीं पूर्व प्रकृति को, अरे कोई कार्य नहीं होकर के मिला देंगे शामील स्वायत्पत्ति होकर के शामीलम भस्म नपुंसकलिंग है, शामीली सुरुख स्त्रीलिंग पे प्रयोग हो जाए और शामील अवयव ऐसा प्रयोग हो जाएगा, तीनों लिंगों में चलेगा। मयड वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयो, मयड वैतयोर भाषायाम अभक्षाच्छादनयो, मयट प्रथमिक वचनांत है वा अव्यय है, एतयोः सप्तमिक द्विवचन, भाषायाम सप्तमिक एक वचन, अभक्षाच्छादनयो सप्तमिक द्विवचन। मैट प्रत्यय हो कह दिया, कोई भी प्रकृति हो किसी भी प्रकृति से आप एतयो अर्थयो रेवा, कौन सा विकार और अवयव, इन दो अर्थों में मैट प्रत्यय सकल प्रकृतियों से हो जाएगा विकल्प से। भाषायाम लेने होगा कब, लोक में। अभक्ष्याच्छादन हो समस्त पद के द्वारा बुद्धिमान वस्तु भक्ष्य नहीं होना चाहिए और आच्छादन भी नहीं होना चाहिए। प्रकृति मात्रा मैट वास्यात विकार अवयव, प्रकृति मात्र से मैट होता है विकार और अवयवर्थों में। अश्ममयम आश्मनम, अश्ममयम अश्मण विकार अश्मनो अवयवो वा इति अश्ममयम, पक्ष में अण हो गया जो मैट नहीं हुआ, सामान्य उत्सर्ग कण होकर के आश्मनम रूप बनता है। अभक्ष इत्यादि किम, अभक्ष क्यों का, मुद्ग है मूंग, मूंग को कहते हैं मूंग दाल होता है ना, उसका दाल बना दे पका दिया या उसके पकौड़िया बन गए, कुछ भी बनाओ उसका विकार खा जाएगा। मुद्गा यह विकार यदि मौदग सूप, यह भक्ष्य
अतएव विकार अर्थ होने के बावजूद भी मयट नहीं हुआ, केवलान होकर के उत्सर्ग को मौद्गह सूप। अवयव अर्थ के लिए कारपासम आच्छादनम, अभक्ष्य और आच्छादन, भक्ष्य भी न हो आच्छादन भी न हो, और यह है आच्छादन अर्थ में ढकना। कारपासम आच्छादनम धागे से मैंने रुई, कर्पासी शब्द बनता है कर्पासी से, कारपासम आणव करके कारपासन बना, क्री धातु से पासा प्रत्यय होता है, कर्पासा बनेगा पहले, अस्तित्व होने से कर्पासी का जो विकार या कर्पासी का जो अवयव सुन कारपासम, लेकिन देखने विकार और अव्यर्थ तो है किंतु वह वस्तु आच्छादन है, ढकने वाला वस्तु है, अतः वहाँ पर मैट आगम मैट प्रत्यय नहीं होगा। कारपासम आच्छादनम टित जो किया गया मैट प्रत्यय में हमेशा ही टिड्डाणय से गीप होने के लिए, टिड्डाणय से गीप होने के लिए, यही पे टित हो गया तो आद्यंतर टकी दो से टित्वात आदि में आगम कर दो मैट का, ऐसा नहीं है कि प्रत्यय परश्चा परश्चा का अधिकार चल रहा है, इन सब प्रत्ययों के समूह के पीछे मैट आया हुआ है, यह प्रत्यय जुड़ेगा परस्य जुड़ जाएगा तो पर में ही होगा, टित्वाद करके आगम नहीं कर सकते, तो फिर टित का फल क्या है तो गीप स्त्रीलिंग में प्रयोग हो गया, ये लाभ हो जाता है। कारपासम आच्छादनम नित्यम वृद्धशरादिभ्य, नित्यम वृद्धशरादिभ्य, नित्यम प्रथमिक वचनांत वृद्धशरादिभ्य पंचमी का बहुवचन, वृद्ध संजक शब्दों से प्राकृतिक प्रकृति वृद्ध संजक प्रकृति वाले षट समर्थ संबंधों से विकार और अव्यर्थ में, इनमें शरादिगण में पठित प्रकृति के षट समर्थ संबंधों से विकार और अव्यर्थ में नित्य ही मयट होता है, जो मयट हुआ था वाक को इसने बात दिया नित्य कह दिया, नित्यम कहना ऐसे विकल्प से नहीं होगा, नित्य हो जाएगा। आम्रमयम आम्र शब्द है, आम्राणाम विकार है या आम्र से अवयव, आम्र का विकार मैंने आम्रस बना दिया पीने के लिए, या आम की जो है कच्चा आम हो तो अचार बनाते हैं चटनी बनाते हैं, इसे विकार में आ गया। और आम्र का अवयव रसादि न बना करके आम का अमोनिया करके आपको थाली में दे दिया, अवयव है टुकड़े टुकड़े दे दिया खाने के लिए, चाहे कच्चा आम हो चाहे पक्का आम हो वो अवयव अर्थ में चला जाता है। अच्छा आम्र वृक्ष का अवयव भी ले सकते हैं, फल ही लेना कोई जरूर नहीं, उसका भी लकड़ी आदि पत्ते हो गए सब अवयव अर्थ में आ जाएंगे। वहाँ पर जो है ये नित्य ही मेट कर दिया कि आम्र शब्द आदि अचकौण आ है, अति वृद्ध संज्ञा हो जाएगा आम्र शब्द का, वृद्धि ये सचाम आदिस्तद वृद्धाम, वृद्ध संज्ञा होने के कारण से आम्र शब्द संज्ञा वाला है तो नित्य ही मेट हो गया अवयव विकार अर्थ में आम्रमयम। शरादिगण बड़े शब्दों से भी नित्य होता है, शरस्य विकार शरस्य अवयव यदि शरमयम नित्य मैट प्रत्यय हो गया, शरम ने बाण बाण का अवयव, इस बाण के होते वे लकड़ी के होते थे या बांस के या बेंत का होता था डंडा, उसके सामने में एक लोहे का बनाते थे बढ़िया, उसको नोकीला बना देते थे, उसमें जहर भी सांध साथ में जहरीले बाण हो जाते, अवय हो गया ना इसीलिए, इधर पीछे भी चोट देते थे उसी में एक लोहे के उस बनता था ताकि धागे में उसको फंसा सके, ये अवयव पाए जाते एक बाण के अंदर कम से कम तीन अवयवों से बनता था, धनुष विसरा अनेक अवयव वाले हैं अवयवों से बनते हैं जोड़ करके, इसलिए शरमयम बन गया, शर का अवयव या शर का विकार उन्हें बाण लग करके जो चोट आदि लग गया उसके विकार में ले लेंगे शरमयम। एकाचो नित्या, एकाच प्रकृति कौन से भी नित्य होना चाहिए, भले वृद्धि संज्ञा हो या ना हो, शरादिगण पठित हो या ना हो, तो भी आपको उसको नित्य ही मैट करना होगा। एकाचो नित्यम त्वंगमयम वांगमयम, पहले वृद्धि संज्ञा नहीं है देखो, त्वच शब्द ले लिया त्वक 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 त्वचो त्वचा रूप बनता है, त्वचा विकार त्वचा विकार त्वचो अवयव वा चर्म का जो विकार
चर्म रोग हो गया, अनेक प्रकार के रोग है चर्म रोग। ये चमड़े का अवयव आजकल होता है ऑपरेशन करने वाले क्या करते, इधर का चमड़ा काट दिया उधर लगा देते हैं, दूसरे की जहाँ जरूरत है वहाँ लगा देते हैं ऊपर से, और शरीर स्वीकार कर लेता है उसको, दवाई खिलाना पड़ता है, मन स्वीकार करे ये मेरा अवयव है, नहीं तो सड़ जाएगा, फेंक देगा बाहर। ये विशेषता है इस मन का, इस शरीर के साथ ऐसा विचित्र ताजत्मता है, इसके अवयव उसको पता है मेरा कौन सा है जो मेरा कौन सा नहीं। एक छोटा सा जो है कांटा भी घुस जाए क्या करता है, धीरे धीरे मन चारों तरफ उसको सड़ा करके बाहर फेंक देता है। आप जल्दबाजी में निकाल लेते हैं क्योंकि आपको तकलीफ हो रहा है, ना निकल तो अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि मन कहते ही दूसरा वे कहाँ से घुस गया, ये तो मेरा अवयव है नहीं, इसको बाहर करो। इसे जो लोहे का छड़ है स्टील का रॉड वगैरह डालते हैं ना ऑपरेशन में, उसमें उनको बहुत दवाई खिलाना पड़ता है, उसके मन स्वीकार करिए मेरा अवयव है, नहीं तो उसके चार तरफ सड़ा देगा, उसको बाहर फेंक देगा। अवयव अर्थ में होता है, चरम का भी अवयव प्रयोग होता है। इसलिए इसे त्वंग मयम अवृत संज्ञा वाले में दृष्टांत दिया जान करके, और वांग में वृत्त संज्ञा वाला, वाक वाक वाचो वाचा बनता है ना, वाचा विकार वाचा अवयव इति वांगमयम नित्यमेठ हो गया। कहते मेरे विकल्प कैसे प्रयोग हो गया, कथम तरी आप्यम अम्मयम, आप्यम और अम्मयम में दो रूप कैसे बन गए, तब तक यत प्रत्यय हो गया नित्यमेठ नहीं हुआ, अप शब्द भी क्या है जल का वाचक है और नित्य एकाच है वो, तो नित्यमेठ होना चाहिए। कहते बात सही है थी, तस्म इदम इति अन्नंतात् स्वार्थे शयि, आप्यम में वहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, कहते बात तस्य विकार अर्थ में नहीं लेना, हम इसको सामान्य तस्य इदम सूत्र से पहले अण कर देंगे, फिर क्या करेंगे अण कर देंगे, तस्य इदम सूत्र से अण करके तदन से स्वार्थ में शयि कर दिया जाएगा, स्वार्थ में शयि प्रत्यय हो जाएगा, तो शयि गया रहते हुए आप्यम रूप बन जाएगा, आपको वृद्धि भी हो जाएगा आप्यम बन जाएगा, वैसे अनंत में ही वृद्धि हो गया, पहले आपा शब्द बना, अप इदम इति आप, आप एव इति आप्यम, स्वार्थ पेशे हो गया। अतएव विकार और अवयवर्त में न होने से कोई आपत्ति नहीं है, अमेट नहीं हुआ अन्न और शय हो गया। गोश्च पुरीशे, गोश्च पुरीशे, गोह पंचमी एक वचन, च व्य पुरुषे सप्तमी का एक वचन, गो शब्द पंचमी का एक वचन है, च अव्यय है, और पुरुषा पुरुषा मतलब उसका जो गोबर उसको कहते हैं, वो सप्तमी के एक वचन। गो हो विकार, गो का अनेक विकार हो सकता है ना, दूध भी गो का विकार है, मकान जो भी बनाओ सब गो का विकार, घी भी दूध है ना, शाद आप बनाते हो, दही छाछ मट्ठा ये सारी चीज़ें गौ का विकार कहे जाएंगे। लेकिन यहाँ पुरुष में रूढ़ हो, विकारों में पुरुष में रूढ़ होगा तभी मैट प्रत्यय करना, गो पुरुषम यदि गोमयम, इसी दिन आप कहते गोमयम पायसम प्रयोग नहीं हो सकता, अरे गोबर से खीर बनता है क्या, ये गोबर गोमय शब्द रूढ़ हो गया गोबर अर्थ में, भले विकार अर्थ है दूध का विकार है पायस खीर, और दूध क्या गौ का विकार है, लेकिन आप रूढ़ में ही प्रयोग करेंगे मैट प्रत्यय को, इसे वहां पर यह रूप बनेगा नहीं, पायस के विशेषण रूपेण। गोह पुरुषमिति गोमयम पिष्टाच्च, पिष्टाच्च पिष्टात पंचमी एक वचन चव्य, दो पद वाला सूत्र है, मैट स्याद विकार, मैट होता है विकार अर्थ में, पीसे हुए जैसे गेहूं का आटा है चने की आटा है, अनेक प्रकार के आटाएँ होते हैं पीस देते हैं, अनेकों प्रकार के चूर्ण होता है, मसालों का भी सब चूर्ण होते हैं, जो भी पिष्ट है पिसा हुआ उसका विकार अर्थ में प्रयोग करना है। पिष्टमयम भस्म, पिष्टमय भस्म है, पिष्टमयम पिष्टस्य विकार, पिष्टमयम भस्म कैसे हो जाएगा, मैंने पिष्ट का विकार कैसे हो गया भस्म, यही होता है
आप जो भस्म लगाते हैं ना शैव लोग, बनता कैसे है वो, उसकी वास्तविक प्रक्रिया अलग है, लेकिन आजकल जैसे बनते हैं अलग बात है। वास्तव में यह था, उसको गोबर को सुखाएं पहले, गोबर को अच्छे से पहले छाद पानी में कुबरा थोड़ा और गीला कर दो, उसको अच्छी तरह पतला कर दो, जितने उसके अंदर जो वगैरह जो भी कचड़ा निकाल दो, विशेष घास वो सब निकाल दो, वो गोबर गोबर को सुखाते हैं, फिर उसको तोड़ेंगे, उसमें घी और दूध डालेंगे, उससे गोला गोला बना देंगे, फिर आग में लकड़ी की आग में उसको रख दिया जाएगा, ऐसे 7 बार करेंगे, फिर निकालेंगे उसको, फिर फोड़ेंगे, फिर घी दूध मिलाएंगे, फिर गोले पर फिर रखेंगे, ऐसे 7 बार किया जाता है। सप्तपुटी होती थी दवाइयाँ, होती है शतपुटी भी होती है, 100 बार ऐसे जला जला भस्म बनाया जाता है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो दवाई बहुत बढ़िया काम करेगा। भस्म से इलाज होते थे, इसीलिए कि भस्म इतने तरीके से बनाया जाता था, उसी भस्म को महात्मा लोग क्या पाउडर पर भी आता था और उसको मंत्र मार के दे देते थे, काम हो जाता था लोगों का। ये तो गौ का है, सतपुट से संशोधित है वो, संस्कारित है वो, ऊपर से मंत्र डाल दिया और साधु तपस्वी ने हाथ से दिया तो कार्य क्यों नहीं सिद्ध होगा। ये पिष्ट की विशेषता है। इस तरह से आप अभ्रक भस्म आपने सुना होगा, पेट के सकल बीमारियों के लिए मुख्य दवाई है। इसमें भी दशपुटी शतपुटी सहस्रपुटी मिलते हैं, सहस्रपुटी बार बार उसको भस्म करना, तो सहस्रपुटी वाला तो बस इतना सा हाथ छूना है, लेना नहीं है, छुओ और जीवा पे लगाओ और दूध पियो एक हफ्ता में एक ही बार, नहीं तो फोड़े फोड़े निकल जाएंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी। असौ पुटी है वो एक दिन तो छोड़ के एक दिन लिया जा सकता है, एक चुटकी बोलती हूँ लो मुँह में डालो। दस पुटी वाला तो आधा चम्मच खाना पड़ता है, रोज खाना पड़ेगा। त्रिविकार भस्म अर्थ में प्रयोग हो रहा है, पिष्ठमयम भस्म कथम पैष्ठी सुराय थी, फिर पैष्ठी सुराय कैसे प्रयोग हो गया, ये तो विकार तो है नहीं। तब कहते सामान्य वक्षायाम तस्य मित्यान, सामान्य अर्थ की वक्षा विकार भी नहीं लेना विशेष, अवय अर्थ भी विशेष नहीं लेना, तस्य इदम इतना ही सामान्य अर्थ लेकर के, उसका यह है पिष्ट से बना हुआ यह है, इतने अर्थ मात्र में ही लेकर के आप अर्ण करेंगे तो पैष्ठा बनेगा, अन्न तत्वा सुरा स्त्रीलिंग है तो अन्न तत्वा गीप होकर के पैष्ठी सुरा ये रूप बन जाता है। यहाँ तक की टीका देखिए, शित्वाद की शिथि तित्वाद घी भी तुम माधव, शित्वाद जो है गीष मानते हैं श्लय में, और कुछ लोग टित्वाद गीप मान दिया, तो श्लय में टित तो है नहीं, शित्वाद घी शामिली श्रुक टित तो हुआ नहीं, लेकिन माधवाचार्य ने टित्वाद गीप कह दिए हैं, इति तो माधव मयड़वैत यो हो भाषायाम किम, वेद में क्यों नहीं प्रयोग होगा ये मयट प्रत्यय, भाषा में ही क्यों? तब पूछने पर जवाब देते हैं खादिरो यूप इति वृत्तिकार, वृत्तिकार दृष्टांत दिया बिना मयट का, खादिर खदिरस्य विकार यदि खादिर अण कर दिया, मयट नहीं हुआ, क्योंकि क्या है ये यूप है, खादिर क्या चीज़ है, खदिर का जो विकार बना हुआ है यूप है, और यूप क्या है यज्ञ का एकांग विशेष है, सामग्री विशेष है वो, इसलिए लौकिक प्रयोग नहीं है वो, वैदिक हो गया, अतः वहाँ पर मैट नहीं होता है। नो मैटो वैकल्पिकत्वात् सिद्धम इदम, वैसे भी मैट तो वैकल्पिक ही है, चाहे लोक हो चाहे वेद हो फर्क क्या पड़ता है, सर्वत्र विकल्प कर दो। यदि चेत अत्र हो, इससे पहला समाधान यह है वेदे बवच परस्य मैटो अर्थांतरत्वमेव इति तात्पर्य ग्रहणार्थमेव इदम, यही सूत्र ने भाषा में इसलिए कह दिया वेद में जहाँ मयट प्रत्यय होता है वह मयट अलग अलग अनेकों अर्थ में हो सकता है, इसे मयट का 6 अर्थ माना गया है, 6 में से कोई भी अर्थ आ सकता है वेद में, इन लोक में विकार अवय 2 ही अर्थ में होगा 6 में से, ये बताने के लिए यहाँ भाषा बोल दिया, लोक में
दो ही अर्थ में प्रयोग होगा मेट का, विकार और अवयव अर्थ में। अन्यत्र जो वेद में इसलिए अधिक अर्थ में प्रयोग होता है ये ज्ञापन करने के लिए भाष्य में बोला गया। बहुवच परस्य मयट, वो भी बहुवच से परमे जो मयट है वह अर्थांत परत्वमेव, यदि तात्पर्य विवरण कराने के लिए यह कहा गया है। द्वेचस्छंदसी इति सूत्रस्य, क्योंकि द्वेजंतों से तो छंदसी इति सूत्रस्य द्वेच एव इति नियमार्थत्वे यद्यपि इदं गतार्थम, जो है उसे कहूँगा नियमन लूँगा द्वेजंतों से ही मैठ होता है वेद में। अरे एकाश से मैठ होगा नहीं, बहुत से भी विकार अवर्त में मैठ होगा नहीं। इति नियमार्थत्वे यद्यपि इदं गतार्थम तथापि द्वेचस्छंदसी एव इति विपरीत नियम शंका निवृत्त्यर्थम, अर्थ गड़बड़ हो जाएगा द्वेजंतों से जो मेट होगा छंद से ये वैसे विपरीत नियम बना देगा कोई, फिर तो लोक में द्वेजंतों से मेट प्रयोग हो नहीं पाएगा, हम नहीं कर सकेंगे कि छंद से ये कह दिया। ये आपत्ति को दूर करने हैं इसीलिए, तथापि द्वेज छंद से ये इति विपरीत नियम आशंका की निवृत्ति करने के लिए भाषा ग्रहण करना उचित है, भाषा ग्रहण कृतम इति। अधिकारादेव विकारावेव और लाभ है, एक और बात सूत्र में एते क्यों का विकार तसे विकार का अधिकार चल रहा है, अवयव इच्छा करके अवय समुचय भी कर दिया, इसलिए विकार और अवय दोनों का समुचितार्थ आ रहा है लगातार, यहाँ भी आ ही रहा है इस सूत्र में भी, फिर एते हो कहने क्या जरूरत है। इन दो अर्थों में यह अधिक कहने की अपेक्षा नहीं था, क्यों कहा गया है अधिकार आदि विकार अवय और लाभ है ये तृतीय वचन, ये विशेष प्रत्याह प्राणी रजतादिव्यं इत्यम्बाद तद विषय भी यथास्यत इत्यमर्थम, कुछ विशेष सूत्र पाणिनि ने बनाए हैं इसी अर्थ में, जो मैट को बाध्य कर रहे थे वह मैट को बाध न कर सके बल्कि उनके साथ भी विकल्प से मैट का प्रयोग हो जाए, ये तदर्थ एतयो कहना पड़ा। ये एतयो कहने से लाभ क्या निकले, इन अर्थों में आगे विशेष प्रकृति से प्राणी रजतादिभ्यो आई कह रहे, जैसे प्राणीवाचक शब्दों से रजतादि गणपति शब्दों से विकार और अव्यवर्त में क्या होना है, आई मैट को बाध्य हो रहा था, अब वो मैट को बाध्य ना हो किंतु मैट भी हो और आई भी हो दोनों हो वे, ये तदर्थ यहाँ एति हो कहना पड़ा। इस अर्थ में किसी प्रकार का प्रकृति प्रत्यय के बाध्य बाधक भाव ग्रहण न हो अतव तो कहना पड़ा है। जैसे दृष्टांत दे रहे देखो, कपोतमयम प्राणीवाचक शब्द है, रजतादिगण शब्दों से लोहमयम तो मैट हो गया, यदि आई मात्र करते तो क्या रूप बनता, फिर कापोतम लौहम ये रूप बनता, मैट का प्रयोग हो ही नहीं सकता था लोक में। लेकिन इस तरह से येतो कहने से जब एक तरह से विकल्प वहां प्रवृत्त हो जाने से ये भी रूप साधु रूप हो गए। यह विकार अवयवाभ्याम सब प्रत्येक अभक्ष आच्छादन इति संबद्धते समास निर्देशात अतो यथासंख्यम न, एक और बात है आपने अपक्ष आच्छादन में सप्तमी द्विवचन प्रयोग किया है, एतयो भी सप्तमी द्विवचन प्रयोग किया है, यह यथासंख्य तो नहीं लगेगा विकार और अवयव, विकार को भक्ष के साथ अवयव को आच्छादन के साथ यथासंख्य लगाया जा सकता था अर्थ में कि दोनों एक अर्थ का व्यावर्तन कर रहा है भक्ष और आच्छादन को छोड़ के, उसे भी हम कहेंगे विकार रूपी भक्ष को छोड़ के अवयव रूपा भक्ष फिर सूत्र प्रवृत्त हो जाएगा, अवयव रूपा जो आच्छादन को छोड़ के वहाँ पर भक्ष रूपा आच्छादन में प्रयोग हो जाएगा वह ना हो यथासंख्य वहाँ पर। इसलिए इनका कहना है हमें क्या करना पड़ेगा, कहते यह विकार अवयवाभ्याम सा प्रत्येकम, प्रत्येकम मैंने भक्ष को भी आच्छादन को भी प्रत्येक को लेकर निषेध करना है, इति संबद्धते समास निर्देशात के समास का निर्देश होने से अथो यथासंख्यम न, इसे यथासंख्य लागू नहीं होता। समास का निर्देश हुआ नैतत्व समास, नहीं तो क्या कहना चाहिए था इनको, मयट वैत्योर भाषा न भक्ष्याच्छादन कर देते, न अलग रख देते, न अलग करते बिना समास किए और भक्ष्याच्छादन अलग रख देते, तब यहाँ वहाँ यथासंख्य लग सकता था। अब समास होने के बाद अब जोड़ नहीं सकते आप, क्यों, समास का क्या नियम है, वृत्तस्य विशेषण योगो न, एक बार जो समास अंतर्गत आ गया वो समास अंतर्गत किसी वस्तु को बाह्य किसी विशेषण के साथ आप संबंध नहीं जोड़ सकते,
जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं आद्यः राजपुरुषः। अब यह राजपुरुषः में जो राजन शब्द है उसका आद्य के साथ अब संबंध नहीं कर सकते, विवृत हो गया, समास के अंदर आ गया। अब विशेषण किसका होगा फिर आद्य? संपूर्ण राजपुरुष का, केवल पुरुष का भी नहीं, केवल राजन का भी नहीं, किंतु राजपुरुष समुदित का ही विशेषण बनेगा। इसे सविशेषणाना वृत्तिर्ना, ये भी समास का नियम है। सविशेषण जो होंगे उनका समास नहीं कर सकते, जैसे आद्यस्य राज्यः पुरुषः। अब यह राजन का पुरुष से समास नहीं होगा कि सविशेषण हो गया। आद्य राजा का गरीब पुरुष है, पहले था ये राजा भले गरीब हो लेकिन पुरुष उसका अमीर है। राजा गरीब भले हो लेकिन पुरुष अमीर है, आड्य राजपुरुष में। और आड्य से राज्य पुरुष में राजा आड्य है, पुरुष आड्य नहीं है। लेकिन समास इन दोनों ही प्रसंग में, एक जब समास हुआ विशेषण संबंध नहीं, और जब विशेषण संबंध है वहां समास नहीं होगा। ये समास में सामान्य नियम है, सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्त से च विशेषण योगो न, वो यहां पर करें। या अ का मैं नहीं का आपने समास कर दिया किसके साथ? भक्ष और आचार्य के साथ। भक्षिंच आच्छादन चित भक्षाच्छादने, न भक्षाच्छादन इति अभक्षाच्छादनम, तयो हो अभक्षाच्छादन यो हो, ए तयो हो का विशेषण बन गया। समस्त पद के अंतर्गत आने से अब इन दो मात्र को लेकर अपन नहीं करोगे, नए सहित संपूर्ण का एतयो के साथ अन्वय होगा। यदि यहाँ यथासंगिष्ट होता तो पाणिनि न अलग रख देते, न के साथ समास नहीं करते, समास कर दिए हैं अतव ज्ञापन हो गया, यथासंग लागू नहीं होता है। आश्वनमिति विना भी प्रत्यय पूर्वोत्तर पद और वा लोपवाच्य। आश्वनम कैसे बन गया? विना भी प्रत्यय का पूर्वोत्तर पद में से किसी का भी लोप करना संभव है। इति वचनात् अश्म भेद शब्दे, भेद शब्द से लोपे, अश्म भेदस्य विकार, ये अर्थ अश्म अश्मनो विकार नहीं, अश्म भेदस्य विकार, अश्व भेद एक पद है, अश्व भेदस्य विकार, या भेद शब्द का लोप हो गया और अश्म शब्द से विकार अर्थ में सूत्र से प्रत्यय हो गया। त्रिवचनाद अश्म भेद शब्दे, भेद शब्द से लोपे, अश्मन्निति नांतम अवशिष्यते, नांत शेष बच गया। तथा कलमा सांग्रे राज्यो भार्यायां मदयंत्याम वशिष्ठेन उत्पादित सुतो अश्मको नाम, तत्र वहां पर कैसे हो गया? संजात द्योतकस्य क प्रत्यस्य भावे, वहां भी संजात का द्योतन करण क प्रत्यय न होता तो अश्मन इति नाम भवति, अश्मन यही नाम होता उसका भी। यह कहानी है, कलमा सांग्री नाम का राजा था, उसकी पत्नी थी मदयंती, उसके साथ संबंध अपना यौगिक शक्ति के द्वारा करते हुए वशिष्ठ जी ने एक पुत्र को पैदा किया और उस पुत्र का नाम क्या है? अश्मक, ये कहा गया। अश्मन शब्द था, क प्रत्यय हो गया, क प्रत्यय जब हुआ तो नलोप होकर अश्मक बन गया। तो वशिष्ठ से विकार रत्न में क्या होगा? अश्मन शब्द से अनादि होकर आश्मन बन जाएगा, आश्ममयम अश्ममयम आश्मनम दोनों बन जाएंगे। तस्य अवयवे आश्मनम विकारे अपि आश्मनम इत्येव भवति, अवयवर्थ में भी आश्मनम, विकार अर्थ में भी आश्मनम इत्येव भवति, यही रूपंता है। न च अश्मनो विकारे इति टीलोपस्य इति वाच्यम, मैंने अश्मन विकार पहले आपने वार्तिक पढ़ाया था उसे टीलोप हो जाना चाहिए, ये टीलोप क्यों नहीं हो रहा है? इति न च वाच्यम प्रसिद्धतरत्वेन पाषाणवाचकस्यैव तत्र गृहीतुम् उचितत्वात्, वहां पर ये शुरू में आपने पढ़ा था तस्य विकार आश्मना में आश्म बनाया, आश्म टीकालोप कर दिए थे अण के परते हुए, तो वहां पर प्रसिद्ध पत्थर अर्थ लेना उसका विकार, और यह प्रसिद्ध पत्थर अर्थ नहीं लेना है ना, एक विशेष रूढ़ अर्थ ले रहे हैं। अश्म शब्द क्या है? कलमा सांग्री के पत्नी मदयंती में वशिट के ज्वर उत्पन्न किया हुआ बेटा, उस लड़के को उसका विकार, उसका विकार, इस अर्थ में हम प्रत्यय कर रहे हैं, इसे अटिलोप नहीं होगा।
विशेषार्थ होने से प्रसिद्ध तरत्व न, क्योंकि वो प्रसिद्ध है। अश्मय शब्द प्रसिद्ध किसमें, अति प्रसिद्ध किसमें है, पत्थर अर्थ में, वो पहले ले लो और यहाँ विशेष को ले लेंगे। वस्तुतस्तु तस्मिति सामान्य विवक्षायाम पाषाणवाचकस्यापि अश्मन शब्दस्य आश्मनिति भविष्यति पैष्टिसुरा इति वत्। अतः करे कि देखो तस्मिदम् इसे सामान्य विवक्षा कर दो, क्यों इतना कल्पना करना, वहाँ पत्थर अर्थ वाला ले लो या अमुक बेटा अर्थ में ले लो, है अश्मन शब्द दोनों जगह, और वहाँ टीलोप कर रहे हैं या टीलोप नहीं कर रहे हैं। ये जो व्यवस्था के लिए सरल उपाय यही है, करे यहाँ तस्सीदम जो लिया है वहाँ पर तस्सीदम का तस्विकार विशेष ले लो, और यहाँ पर तस्सीदम सामान्य में कर दो, पुत्रादिर कल्पना अपने अपन जाएगा सामान्य में। ये सामान्य विवक्षायाम पाषाणवाचकस्यापि अश्मन शब्दस्य आश्वनमिति भविष्यति, आश्वन वामी बन जाएगा औसरी का होकर के, यथा जैसे आपने पहले पैष्टिसुरा इति वत् जैसे वहाँ बताया तो वैसे यहाँ भी हो जाएगा। मौद्गा सोपह कार्पासमिति मुद्ग शब्दो घृतायित्वाद अंतोदात्त क्रियापासः, ये सूत्र है गुणादि का, पास प्रत्येक गुणे रपरे चक्रते कर्पासी शब्दो जाति लक्षण गीषंत स्थाभ्याम, जाति लक्षण गीष प्रत्योग के कर्पासी दीर्घकारांत शब्द होता है, ताभ्याम अनुदात्तादेश चीति अयम गीषंत, ताभ्याम अनुदात्तादेश च इति अयम बाधित्वा बिल्वादित्वा अण कर दो। अनुदात आदि होने के कारण से अंतोदात जब हो गया तो आदि में अनुदात हो जाएगा, तो अनुदातम पदम एक वर्जम नियम है, इसके आधार पर कोई भी प्रातिपदिक को उसमें एक अच जब उदात्त हो जाता है वहाँ पर नियम है अनुदातम पदम एक वर्जम, उस एक उदात को छोड़ करके बाकी सब अनुदात हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो अंत को आपने उदात कर दिया है तो बाकी सब आदि क्या हो जाएगा, अपने आप अनुदात हो जाएगा। अनुदात आदि होने के नाते उस अनुदात अयम बाधित्वा अनुदात आदि से अयम प्राप्त था उसे बाध करके बिल्वादि गण में लेकर के इसको अण प्रत्यय कर दिया, जो कार्पासम रूपंता है नित्यम वृद्धा यह भाषायाम अभक्षाच्छाद नित्य अनुवर्तते, उसकी भी अनुवृत्ति यहाँ पर होगी। इति वृत्ति नन्वेव आनंदमयाधिकरणे, प्रश्न उठता है आनंदमयाधिकरण में शंकराचार्य ही अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय इति श्रुतो, इसको उठाया विचार करने के लिए आनंदमयाधिकरण ब्रह्मसूत्र, वहाँ पर शंकराचार्य जी ने कहा ये मयट की शर्त में आया पूछे जाने पर, कहते पहले सब अन्नमयम विकार अर्थ में माना, अन्न का विकार है, प्राणमयम में प्राण का विकार है, मनोमयम में विकार है, विज्ञानमय में भी विकार है, और आनंदमय में यह विकार मानना चाहिए, सब मैट विकार थे, मैट विकार उसी धारा प्रवाह में चल रहा है। तो अन्योन्तरात्मानमय श्रुतो आनंदमय विकारे मैट इत्युक्तम, विकार अर्थ में मैट कहा तब कथम संगच्छताम, वह कैसे संगत बैठेगा कि आनंद भी का विकार होगा क्या, कि आनंद क्या है, साक्षात ब्रह्म है, उसमें कहाँ से विकार, उसका विकार होगा क्या, ब्रह्म का विकार, तो आनंद का विकार कैसे अर्थ कर दिया भाष्यकार ने, विकार तो नहीं होना चाहिए, प्राचुर्य होना चाहिए, अन्य अवस्थाओं में जिस प्रकार का आनंद अनुभूति होती है उसकी अपेक्षा से प्रचुर मात्रा में आनंद अनुभूति सुषुप्ति में होती है, इस आनंद अनुभूति को लेकर के वहाँ आनंदमय मैंने प्रचुर आनंद ये अर्थ लेना चाहिए। जागृत में भी आनंद है, पढ़ने का आनंद है, पढ़ाने का आनंद है, सुनने का आनंद है, सुनाने का आनंद है, खाने का आनंद है, नहीं अनेक प्रकार के विषयानंद, पंचदशी में देखो विषयानंद प्रकरण ही रख दिए, प्रकरण विषयानंद प्रकरण, योगानंद प्रकरण, विद्यानंद प्रकरण, सबका आनंद मिल सकता है। तो जागृत में भी अनेक प्रकार के आनंद अनुभव हो ही रहा है लगातार, स्वप्न में भी कहीं स्वप्न अच्छे आते हैं तो बड़ा आनंद होता है ना, याद भी करते रहते बड़ा अच्छा स्वप्न था, आज भूलना नहीं चाहते अच्छे स्वप्न को भी, है तो स्वप्न मिथ्या लेकिन भूलना नहीं चाहते उसको, तो वहाँ भी आनंद है, लेकिन उन दोनों अवस्थाओं में जो आनंद है वो क्षणिक है,
और इतना प्रचुर मात्रा नहीं है कि उस आनंद भोग के अनंतर आपको एकदम ताजगी महसूस हो। ऐसा नहीं है ना, जागृत में आनंद भोग गया और थक जाता है। जैसे लोग कहते कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और आज की आनंद की जय हो चिल्ला देते हैं, फिर क्या हो जाता है, थक जाते हैं, नाच नाच के थक गए। तो आनंद से थका नहीं हुआ ना, स्वप्न के आनंद से भी आदमी थक जाता है तभी तो जग जाता है, नहीं तो थके ही ना, तो जगे ही ना, वहां से उसमें लगे रहे आनंद में। लेकिन थकता वहां पर भी है, लेकिन सुषुप्ति का आनंद ऐसा विचित्र है, यह आदमी थकता नहीं इसलिए उठना नहीं चाहता है। ये तो प्रारंभ कर्म बाहर आना पड़ जाए मजबूरी में, उसको कहीं आश्रम में घंटी लग जाएगी तो क्या करे, आरती की घंटी है जाना पड़ेगा आरती में, घर में है तो स्कूल है कॉलेज है कुछ नहीं है नौकरी है जाना पड़ेगा ना, वो एक दिमाग में रहता है इतना बजे से उठना है, नहीं तो सुषुप्ति का आनंद कोई छोड़े ही ना। और बच्चे वगैरह देखो आप जगाओ तो जगना नहीं चाहते, इसीलिए कि सुषुप्ति का आनंद मग्न रहना चाहते हैं। वो कहते हो घड़ी देखे और 5 मिनट है, बोलेंगे माँ को अभी रुको 5 मिनट की, वो आनंद नहीं छोड़ना चाहता है। वो आनंद थकान का नहीं है, वो आनंद पुनः ताजगी लाता है। इसे प्रचुर है वहां पर, इसका मतलब यहां की अपेक्षाओं से इसे प्राचुर्यत्व में मेट होना चाहिए। आपने विकारत्व में कैसे कह दिया, ऐसे आशंका हुई। इति कथम संगचताम प्राचुर्मिटी तो वक्तुम उचितम इति चेद अत्र हो हो, कुछ लोग इसका समाधान बता रहे हैं। प्राचुर्य मैटी अपनी प्रकृत्यर्थ विरोधिनो दुख से लेश तो अनुवृत्ति लाभात प्रकृति विकारार्थ परिवर्षति इति तेषाम आशयः। आप प्राचुर्य अर्थ कह रहे हैं का मतलब क्या, अभी पूर्ण नहीं है, प्रचुर मात्रा में है मैंने पर्याप्त नहीं है, दोनों में अंतर है। पर्याप्ति मैंने पूर्ण हो गया, पूर्ण आनंद, आप सुषुप्ति पूर्ण आनंद नहीं मान सकते, नहीं तो वहाँ ही मुक्ति हो जाए, आदमी सो गया तो मुक्त हो जाएगा, यहाँ पूर्ण आनंद अनुभूति हो जाए। इसे आपके भी पक्ष में प्राचुर्य कहने का पीछे अभिप्राय यही है, थोड़ा लेश दुख वहाँ पर है, वो अविद्या चिपकी हुई साथ में, मल बैठा हुआ है साथ, वो नष्ट नहीं हुआ, वो दुख लेश सम्मिश्रित है वो भी। अतः प्राचुर्य में भी दुख विशिष्ट होने के नाते विकार तो मानना ही पड़ेगा आपको, यदि पूर्ण होता तो अविकार होता। इसे चाहे प्राचुर्य अर्थ में महट कहिए चाहे विकार अर्थ में महट कहिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनका कहना है। प्राचुर्य महट अपनी प्रकृत्यर्थ विरोधी नो दुख से, प्रकृति कौन है आनंद, उसका अर्थ के विरोधी अर्थ कौन है दुख, उसका लेश तो अनुवृत्ति लाभात, लेश तो अनुवृत्ति मानी गई है। यह अनुवृत्ति के प्रश्न आप करते न किंचित दवेदिशम, अहम सुखम अस्वापसम आनंदानुभूति का जो है संस्मरण है, न किंचित दवेदिशम अविद्या ज्ञान के अनुभव का संस्मरण है, उसकी अनुवृत्ति मालूम हो रहा है। इसलिए अंत वो भी लेश तो अनुवृत्ति लाभात प्रकृति विकारार्थ परिवर्षति इति तेषाम आशयः। यद्वा नित्यम वृद्ध इत्यत्र भाषा ग्रहण नानु वर्तते, अथवा जो है नित्यम वृद्ध शरावय सूत्र में भाषा को ग्रहण अनुवृत्ति करो मत, अनुवृत्तोपि भाषायाम नित्यम अन्यत्र क्वाचित कह, ऐसे कर दो, अनुवृत्ति कर भी लोगे ये कहना भाषायाम नित्यम और अन्यत्र तो क्वाचित कह, कहीं होगा कहीं नहीं होगा, लक्ष्यानुरोध निश्चय होगा वहाँ। इति आश्रित मैट सुसाद, मैट की व्यवस्था वहाँ भी किया जा सकता है। अथवा हेतु मनुष्यभ्य इति अनुवर्तमाने मयट च इति सूत्रेण आगतार्थे मयट, कहते देखो हेतु मनुष्यभ्य सूत्र के द्वारा, हेतु अर्थ में ले लो वहाँ पर मयट च सूत्र के से, आगत अर्थ में आनंदाद आगत इति आनंदमयम, आगत अर्थ में ले लूँगा, शुद्ध जो आत्मा है ब्रह्म है आनंद स्वरूप है वहाँ से आया हुआ है, जो सुषुप्ति में हम आनंद औपाधिक है, सुषुप्ति में जो आनंद कर रहे हैं हम वो औपाधिक आनंद होने के नाते, औपाधिक आनंद आया कहाँ से, उपाधि में पहुंचा कैसे, वो कोई ना कोई उसका मूल स्रोत होगा, वहाँ से आया हुआ है। तथा आगत इस अर्थ में, आगत अर्थ में हम मैट च सूत्र के द्वारा मैट कर सकते हैं, तभी काम व्यवस्था दे सकते हैं आप।
कथे विकार इति तो आर्थिकार्थ कथनम एव अतः शंकर भगवत्पादोक्तिर अनवद्य एव इति। इसलिए आचार्य शंकर के द्वारा कहा हुआ विकार अर्थ वह निर्दोष ही सिद्ध हो जाता है कि विकार जो आर्थित अर्थ तो सिद्ध हो रहा है वहां पर, क्योंकि मुक्ति न होने से अर्थ सिद्ध हो रहा है, वह आनंद है जो वो पूर्ण आनंद नहीं है, स्वरूप आनंद नहीं है, विकृत आनंद ही है। इसलिए भाष्कर का विकार प्रयोग करना अनुचित नहीं होता, कोई दोष नहीं है। शरमयमिति शर दर्भ मृत कुटी तृण सोम बिल्वज इति शराधि, ये शराधिगण है। एकाचो नित्यमिति आरंभ सामर्थ्य देव सिद्धे, आरंभ सामर्थ्य से ही सिद्ध था। तो नित्यमृत इति नित्य ग्रहण योग भागेन अन्यत्रापि क्वचित विधानार्थम, फिर नित्य एकाचो नित्यम सूत्र के द्वारा ही कार्य जब सिद्ध हो रहा था, नित्यमृत शरण में नित्य कहने की क्या जरूरत थी, दोनों सूत्रों में नित्य क्यों बोलना, एक जगह नित्य बोल दो उसी की अनुवृत्ति आ जाएगी दूसरे में, दोनों ही का जगह कहने का अभिप्राय क्या है वो बता। आरंभ सामर्थ्य सिद्धे नित्यवृत्ति नित्य ग्रहणम योग विभाग है ना अन्यत्रापि क्वचित विधानार्थम, योग विभाग के द्वारा कि अलग सूत्र बना दो, नित्याम अलग सूत्र बना दो, वृद्ध शरावादि पे अलग सूत्र बना दो। अलग सूत्र बनाने से क्या होगा, वृद्ध और शरावट शब्द इनसे भिन्न प्रकृतियों में भी आप मैट कर सकते हैं। वृद्ध संजक प्रकृतियों से होगा और शरावट प्रकृतियों से भी आप कर ही रहे हैं, इनसे भिन्न प्रकृतियों से भी आप करना चाहेंगे, वह भी नित्य करना चाहते हैं मैट, उसके लिए योग भाग करना आवश्यक है, तदर्थ सूत्र में नित्य ग्रहण करना आवश्यक है। तेना एतल लभ्यते भाव, उसे लाभ हो गया। एकाचत्वा देव सिद्धे शरादिशो मृत शब्द पठनम विस्पष्टार्थम इत्याहु, एक और बात फिर ये शरादिगण में मृत शब्द क्यों ग्रहण किए, मृत तो एकाच है, एकाचो नित्यम से ही हो जाता, तब तो बात सही है शरादिगण में जो मृत शब्द पाठ किया वो केवल विस्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए है, अत्यंत स्पष्टतया बोध कराने के लिए है इत्याहु। गोश्च पुरीश है पुरीशाम न विकारो नाप्यव, पुरीश न विकार है न अवयव है, फिर भी तथापि तथापि, क्योंकि किसका विकार था, वो गोबर जो खाए पिए हुए अन्न का था ना, अन्न का स्थूल विकार है गोबर, अन्न का स्थूल विकार है गोबर, ये तो वर्णन किया ना छांदोग्य के उपनिषद में, जो स्थूल है सविष्ट भाग है वह पुरीश होकर निकल जाता है, चाहे आदमी का हो चाहे किसी पशु का हो, वो अन्न का विकार है, गौ का विकार तो है नहीं, फिर कैसे कर रहे हो आप रूढ़। तो सुनो कहते पुरुषम न विकार नापे व तथापि तस्दमित्यर्थे अयम प्रत्यय तस्दम, इस अर्थ में सामान्य प्रत्यय समझना, विकार अवयवस्तु गोपसर गोपयसौर्यत वक्षति, और विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में तो अलग आने वाला है आगे सूत्र, गोपयसौर्यत प्रत्योग, गव्यम दूध दही वगैरह के लिए क्या होता है गव्यम बनेगा, दो दही है मक्खन है छाछ वगैरह सारी चीज के लिए यत प्रत्यय हो जाएगा, वह अलग विधान कर रहे हैं। पुरुषे किम गव्यम पय इत्यादि दृष्टान्त, पुरुषार्थ मात्र में क्यों होगा, क्योंकि अन्य यत प्रत्यय करके गव्यम पय बनेगा, यावगैति